पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतकर भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार बैकफुट पर है। ममता राज में चुनाव बाद हुई हिंसा पर बुरी तरह घिरी हुई है। बंगाल सरकार पर चौतरफा आरोप लग रहे हैं। राज्यपाल से लेकर हाईकोर्ट तक बंगाल सरकार को फटकार लगा चुका है। वहीं इस बार टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए 77 सीटों के साथ विधानसभा में विपक्ष में बैठी बीजेपी भी घेरने में जुटी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में विपक्ष की भूमिका निभाने में लगी हुई है। बीजेपी चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला कर रही है। विधानसभा में भी बीजेपी मजबूती के साथ ममता बनर्जी को घेरने में लगी है। बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा का मुद्दा गर्मजोशी से उठाया। बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। बीजेपी का चौतरफा हमला देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज याद आ रहे हैं। सदन में अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बीजेपी विधायकों को केंद्र की बीजेपी नेतृत्व द्वारा चुने गए राज्यपाल के सदन में अभिभाषण देने में अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मैंने राजनाथ सिंह से लेकर सुषमा स्वराज तक अनेक बीजेपी नेताओं को देखा है, हालांकि ये बीजेपी अलग है। दरअसल ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं। अधिकारी ने पहले ममता को विधानसभा चुनाव में हराया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल हिंसा को लेकर ममता सरकार को घेरे हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बार दीदी और उनकी पार्टी के किए बीजेपी से पार पाना मुश्किल है। इससे पहले के कार्यकाल में विपक्षी विधायक ममता के सामने नहीं बोल पाते थे क्योंकि विपक्ष कमजोर था, लेकिन इस बार दीदी को विपक्ष के तौर पर बीजेपी से पाला पड़ा है। ऐसे में इस बार उनकी बेचैनी साफ दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सामने अपनी सरकार चलाने के साथ ही ममता बनर्जी की कुर्सी बचाना भी चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।